मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि पराली के एक्स सीटू और इन सीटू प्रबंधन के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर और स्ट्रॉ बेलर यूनिट संचालकों को परिचालन लागत के रूप में दी जाने वाली 1,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि से संबंधित मामलों का सत्यापन जल्द कर राशि जारी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यतः आज और कल इन दोनों दिनों में पराली जलाने की एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन गांवों में पराली जलाने के मामले सामने आते हैं तो उन गांवों के सरपंचों और गांव में नियुक्त नोडल अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सैटेलाइट इमेज का भी सहारा लिया जाए, जिसके अलावा मौके पर जाकर आसपास के क्षेत्र की भी जांच करके प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि धान की फसल की कटाई अंतिम चरण पर है, इसलिए अधिकारी और सजग रहें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण फसल अवशेष से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर गंभीर हैं। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं में 31.7% की कमी दर्ज की गई है। 6 नवंबर 2019 से अब तक 64.55% की गिरावट दर्ज की गई। बैठक में बताया गया कि पराली प्रबंधन पर कदम उठाते हुए 14,512 एकड़ भूमि का इन सीटू और 15,066 एक्स सीटू प्रबंधन किया गया है। बैठक में बताया कि पराली प्रबंधन के लिए विभिन्न उद्योगों और गौशालाओं से संपर्क किया गया है ताकि पराली का सही तरीके से प्रयोग किया जा सके। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।